एक तरफ पापा की कमी हद से ज्यादा महसूस हो रही है। पहली बार है जिंदगी में ऐसा जब बिना पापा के मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, वो हमेशा मेरे साथ रहे, लिटरली मेरा हाथ पकड़कर। अगर आप 2019 के भी विजुअल्स देखेंगे तो जब मैं जमुई जा रहा था नामांकन दर्ज करने, तो मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे लेकर जा रहे थे। आज पहली बार है जीवन में जब वो मेरे साथ नहीं है। तो जहाँ उनकी कमी महसूस हो रही है, वहीं इस बात का संतोष भी है कि एक पुत्र धर्म को जिस तरीके से निभाना चाहिए, हाजीपुर जिसको उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया, आज उसी हाजीपुर की धरती को नमन करने जा रहा हूँ, वही हाजीपुर के लोगों से उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे पापा को हमेशा हाजीपुर के लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। आपको लग रहा है कि कहीं लड़ाई भी है? मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं किसी किसी भी चुनौती को या किसी भी लड़ाई को या चुनाव को मैं कतई हल्के में नहीं लेता। ज़रूरी है हर पल आपको अपना 100% आप देते रहें, ईमानदारी से आप प्रयास करते रहें। अंतोगत्वा आप जनता के दरबार में है, अंतिम फैसला जनता को ही लेना है। मेरी तरफ से मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी ना रहे, इस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगा। यकीनन एक तरफ पापा की कमी हद से ज़्यादा महसूस हो रही है। पहली बार है ज़िंदगी में ऐसा जब बिना पापा के मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, वो हमेशा मेरे साथ रहे, लिटरली मेरा हाथ पकड़कर। अगर आप 2019 के भी विजुअल्स देखेंगे तो जब मैं जमुई जा रहा था नामांकन दर्ज करने, तो मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे लेकर जा रहे थे। आज पहली बार है जीवन में जब वो मेरे साथ नहीं है। तो जहाँ उनकी कमी महसूस हो रही है, वहीं इस बात का संतोष भी है कि एक पुत्र धर्म को जिस तरीके से निभाना चाहिए, हाजीपुर जिसको उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया, आज उसी हाजीपुर की धरती को नमन करने जा रहा हूँ, वही हाजीपुर के लोगों से उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे पापा को हमेशा हाजीपुर के लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। आपको लग रहा है कि कहीं लड़ाई भी है? मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं किसी किसी भी चुनौती को या किसी भी लड़ाई को या चुनाव को मैं कतई हल्के में नहीं लेता। ज़रूरी है हर पल आपको अपना 100% आप देते रहें, ईमानदारी से आप प्रयास करते रहें। अंतोगत्वा आप जनता के दरबार में है, अंतिम फैसला जनता को ही लेना है। मेरी तरफ से मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी ना रहे, इस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगा।